अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं साकिब टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास जो सादा चूल्हा जिसको आप माचिस से ऑन करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसको आप माचिस से कन्वर्ट करके इग्निशन सिस्टम में चेंज कर लें, यानी आप अपने सादे चूल्हे को ऑटोमेटिक अगर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और जो दोस्त इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल क्लिक भी कर दें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास से पहुँच जाए। और इसमें जो भी नई चीज़ें लगेंगी, जो भी इसमें पार्ट्स लगेंगे, वो सारे के सारे गैस अप्लाइंसिस किसी भी शॉप से आपको आसानी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो इस किट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये इग्निशन किट है, ये एक पूरा सिस्टम है इग्निशन को चलाने के लिए। और इस पर मैं आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ कि इनपुट है डीसी 3 वोल्ट, आप इसको 3 वोल्ट पे भी चला सकते हैं और 1.5 पे भी चला सकते हैं। इस इग्निशन किट की ये बहुत सारी तारें आपको नज़र आ रही हैं और आपको ये लग भी रहा होगा कि ये कितना मुश्किल है, ये इसकी किट की इतनी तारें हैं, कहाँ लगेंगी, कैसे लगेंगी, तो वो आप फिक्र ना करें, वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सी तार कहाँ लगेगी। उसके बाद किट के बाद ये आपको इस तरह का सेल बॉक्स चाहिए होगा, जिसमें 102 सेल जो है वो इस तरह के मोटे सेल जो होते हैं, या सिंगल भी चल जाएगी। तो मैंने जैसे बताया कि आप इसको 3 वोल्ट पे भी चला सकते हैं और 1.5 पे भी चला सकते हैं, ये एक सिंगल सेल 1.5 वोल्ट। तो आप इसको इस तरह का अगर आपके पास सेल बॉक्स मौजूद है, डबल वाला या सिंगल वाला, तो चलेगा। इन दोनों में से कोई भी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये भी गैस अप्लाइंसिस की शॉप से आसानी से मिल जाएगा, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो। तो इस सेल बॉक्स के बाद अब आपको ये 2 इग्निशन लाइटर इस तरह के चाहिए होंगे और उसके साथ साथ 2 इसके ये पुश बटन है, ये आप पुश बटन भी आपको किसी भी इलेक्ट्रिक की शॉप से मिल जाएंगे। आप जब इस पुश बटन को दबा के रखेंगे तो ये नीचे 2 इसके जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको, ये दोनों डायरेक्ट होंगे और ये वर्क करेगा ये पुश बटन। तो बाद में जब इसको लगा के आपको दिखाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। और अब इसके बाद ये इसके जो इग्निशन लाइटर हैं, ये आपको चूल्हे के हिसाब से, अगर आपका चूल्हा 3 चूल्हों वाला है, 3 बर्नर वाला है, तो आपको ये 3 चाहिए होंगे, और अगर इस तरह डबल बर्नर वाला चूल्हा है तो ये आपको 2 ही चाहिए होंगे। और ये जो आपको 3 तारें एक जैसी काली नज़र आ रही हैं इस किट की, इन तीनों में से एक जो है वो स्पेयर है, अगर आपका चूल्हा 3 बर्नर वाला है तो ये तीनों काम आएंगे और 3 ही लाइटर इसके साथ लगेंगे। तो अब सबसे पहले आपने करना ये है कि अपने चूल्हे का जो बर्नर है, उस बर्नर के बिल्कुल साथ किसी भी जगह पर इस लाइटर को फिक्स करना है। ये जो लाइटर इग्निशन लाइटर है, इसको बर्नर के बिल्कुल साथ जोड़ के किसी भी तरीके से फ़िक्स करना होगा। और इस चूल्हे में मैं इसको फ़िक्स करूँगा बिल्कुल इसके नीचे जो प्लेट नज़र आ रही है इसके ऊपर, इस लाइटर के बिल्कुल साइज़ का ड्रिल लेके उसके ऊपर ड्रिल करके उसमें फ़िक्स करना है दोनों साइडों पे बिल्कुल इसी तरीके से। आपने सबसे पहले इन दोनों लाइटर को दोनों बर्नर के बिल्कुल साथ जोड़ के फ़िक्स करना होगा। तो इस लाइटर को फ़िक्स करने के लिए जब आप ड्रिल करेंगे तो उसका आपने ख्याल रखना है, वो ड्रिल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा होगा तो ये लाइटर उसमें फ़िक्स नहीं होगा ठीक तरीके से। तो ये इस साइड के एक साइड के बर्नर का जो लाइटर है वो मैं साथ है इस पर फ़िक्स करूँगा, ऊपर और नीचे दोनों साइडों पर उस स्प्रिंग भी रखना है और एक लॉक सा लगता है वो भी इसमें लगा देना है। और ये अगर आपको लाइटर लगाने का तरीका कोई ठीक से समझ नहीं आया तो ये एक बार फिर से बर्नर को उतार के वो मैं आपको ये सारा दिखा रहा हूँ तरीका लाइटर को फ़िक्स करने का, क्योंकि सबसे मुश्किल काम इसमें ये लाइटर को फ़िक्स करना ही है। तो सबसे पहले ये देखें, ये इसके ऊपर एक स्प्रिंग रखना है आपने, लाइटर के पहले स्प्रिंग रखना है, उसके बाद इस सुराख में बिठाना है जो आपने इस बर्नर के साथ किया होगा, तो उसके नीचे भी एक स्प्रिंग रखने के साथ साथ ये एक लॉक सा लगता है और लॉक लगेंगे तो ये इस तरीके से ये आप इसका लाइटर फ़िक्स करेंगे बर्नर के बिल्कुल साथ। तो ये देखिए, मैं आपको इसीलिए उस बर्नर को उतार के दिखा दिया ताकि आपको बिल्कुल ठीक तरीके से समझ आ जाए। ये देखें, ये बिल्कुल इसके साथ फिक्स है और जब इसकी ये स्पार्क होगी बिल्कुल इस सुराख के साथ, तो ये फिर स्पार्क की वजह से फिर ऑन भी होगा। तो अभी अब इस बर्नर को भी मैं वापस फ़िक्स कर देता हूँ चूल्हे के साथ। लाइटर को अगर आपने अच्छे तरीके से देख लिया कि कैसे फ़िक्स किया है उसके बर्नर के बिल्कुल साथ,
तो ये बर्नर यहाँ पे फिक्स करने के बाद अब दोनों लाइटर इसके जो है वो इसके साथ चूल्हे के साथ फिक्स है। और ये इस साइड वाला भी मैं आपको उसी तरह बता रहा हूँ कि आप इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं, बिल्कुल टेढ़ा करने के बाद, ताकि वो जाली जो है वो उस जाली के सुराख के सामने इसकी स्पार्क होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप भी अपने चूल्हे में उसको ऐसे ही फिक्स करेंगे लाइटर को, ताकि जो जालियां होगी उन जालियों के बिल्कुल सुराख के सामने इसका स्पार्क आना चाहिए। अब इसके बाद ये इसकी जो इग्निशन किट है, इस इग्निशन किट को आप चूल्हे के नीचे किसी भी जगह पे फिक्स कर लेंगे। किसी भी तरीके से इसका जो गैस वाला जो पाइप है, गैस लाइन है जो इसकी, इसी के साथ मैं इसको फ़िक्स कर देता हूँ। और किसी भी तरीके से आप जैसे मर्ज़ी है उसको फ़िक्स कर सकते हैं। तो मैं तो ये जो आम एक सील सी होती है उसके ज़रिए से इसको नीचे यहाँ पे फिक्स कर दूँगा। और आपने नीचे इसकी जो तारें होंगी इनको थोड़ा सा समेट भी देना है। और ये दो जो इकट्ठी एक स्लीव के अंदर जो दो तारें हैं काले और सुरख रंग में, ये इसकी बैटरी की तारें हैं जो इसके सेल बॉक्स के साथ लगेंगी प्लस और माइनस के हिसाब से। तो इन तारों को आपने नीचे किसी भी तरीके से समेट देना है, इकट्ठा कर देना है। और ये जो एक तीन काली तारें हैं एक जैसी, उन तीनों में से एक जो स्पेयर है उसको भी साथ मैंने वो इकट्ठा कर दिया ताकि वो नीचे ख़राब ना हो। अब ये दो तारें इसकी, बाकी जो इसकी तीन तारें हैं, इनके तीन लाइटर होते हैं और तीन तारें होती हैं उसके लिए, ये अलग कलर की हैं, एक पर्पल कलर की है, एक वाइट कलर की है और एक येलो कलर की है। इनमें से भी एक तार जो है वो स्पेयर है, क्योंकि ये दो लाइटर वाला चूल्हा है। अगर तीन वाला होता तो तीनों इसकी काम आनी थी, लेकिन जिस तरह एक मोटी तार जो है काली उसको हमने स्पेयर कर दिया है, इसी तरह इन तीनों में से भी एक स्पेयर है। तो ये दो हो गई वो काली और ब्लैक हो गई इसके बैटरी के लिए, और ये दो हो गई इसके लाइटर के लिए जो इसका लाइटर जो स्पार्क देगा। और ये एक सिंगल काली तार जो इसमें से आपको नज़र आ रही है, ये एक सिंगल काली तार इसकी अर्थ वाली है जिसके आगे ये गोल सा रिंग लगा हुआ है। अब इसके बाद जो दो पुश बटन हैं, उन दोनों पुश बटन के नीचे तो दो दो पॉइंट बने हुए हैं, उनको आपने कैसे सेट करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। कि ये देखें, ये दो इसके लाइटर की तारें हैं और दो ये तारें इसकी जो किट से येलो और वाइट की है, और एक इसकी तार जो है वो अर्थ वाली है। तो आप अर्थ वाली जो तार है उस अर्थ वाली तार से आगे दो पॉइंट बनाएंगे और वो दो पॉइंट इन दोनों पुश बटन में लगेंगे। ये इस तरह कोई भी एक स्पेयर तार लेके जो अर्थ वाली तार है उसके साथ दो कनेक्शन बनाएंगे, और दो कनेक्शन बना के ये नीचे जो दोनों पुश बटन हैं इनके नीचे जो दो दो पॉइंट बने हुए हैं इनके साथ आप लगाएंगे, एक उसका एक हिस्सा एक पुश बटन के साथ और दूसरा हिस्सा जो है वो उसका दूसरे पुश बटन के साथ लगाएंगे। और फिर इसी तरह जो दूसरी जो तारें होगी येलो और वाइट जो इसके दोनों लाइटर को अलग अलग स्पार्क देंगी, उनको भी पुश बटन के नीचे जो एक एक पॉइंट बचेगा उस पॉइंट के साथ उसको लगा देना। तो इस एक स्पेशल वीडियो वास्ते, इस वीडियो च दो टांके लाने वास्ते बस मैं एक काविया नवा खरीदिया। मैंने वैसे मैं जाच कोई नहीं टांका लाने दी, लेकिन फिर भी मैं चलो ट्राई करने नवा ले लें। तो टांका तो लाना ही है, हूँ दसना तो है ही है आवाम को कि किस तरह तुम अपना चूल्हा ऑटोमैटिक बनाना है। भी कर दिया कि ये जो आपको काविया नज़र आ रहा है ये टांका लगाने वाला, तो ये मैंने परचेज़ किया। हालांकि मुझे इतना इसका पता कोई नहीं है कैसे इसके टांका लगाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो ये देखें, इसमें ये मैंने इसका टांका लगा दिया, पहली बार ज़िंदगी में पहली बार टांका लगाया। तो इस तरह आप अर्थ वाली जो वायर है उसके दो कनेक्शन बना के दोनों कनेक्शन को दोनों पुश बटन के साथ लगाएंगे, और जो दोनों पुश बटन के साथ एक एक पॉइंट बच जाएगा उन दोनों पॉइंट के साथ इसकी जो दो वायर हैं जो किट से आ रही हैं, एक येलो कलर में और एक वाइट कलर में, उन दोनों को इसके दूसरे पॉइंट के साथ अटैच कर देंगे। तो वो तो उनके आगे थिम्बल लगा हुआ है, वो आसानी से साथ ऐसे अटैच हो जाएगी। तो ये आपके दो बटन, ये दोनों बटन तैयार हो गए अलग अलग दोनों साइडों के स्पार्क के लिए। अब जो सेल बॉक्स है
उस सेल बॉक्स का जो प्लस माइनस है वो आपने ज़रूर जहन में रखना है। उसमें ये आप नया सेल ही इसमें यूज़ करेंगे, पुराने सेल से जो स्पार्किंग है वो इतनी अच्छी कोई नहीं होती, तो इसमें नया सेल और नया भी अच्छी नस्ल का सेल जो है वो आपको इसमें चाहिए होगा। तो सेल डालने के बाद अब ये दो अलग अलग बटन, दोनों अलग अलग बर्नर की स्पार्किंग के लिए, तो इसकी स्पार्किंग भी एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखें, ये इसकी तारें अलग तारें जो है वो गलत लगी हुई थी, प्लस की जगह माइनस वाली लगी हुई थी और माइनस की जगह प्लस वाली, जिसकी वजह से वो स्पार्क नहीं दे रहा था। अब इसके दोनों पुश बटन जो है वो उनको चेक भी करेंगे कि वाकई वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। तो इनको आप अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, अगर वो जिस बटन से भी वो स्पार्क दे रहा है। ये देखें इसकी ये स्पार्किंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ही आप इसको पुश करेंगे वो जो इसकी लाइटर वाली जो तार है वो स्पार्क करना शुरू कर देगी, और पुश कर ही रखेंगे तो वो स्पार्क देती रहेगी और छोड़ देंगे तो वो स्पार्क बंद हो जाएगी। तो ये दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों वाले जो बटन है, पुश बटन जो है, दोनों वो ऑन करके मैंने दोनों साइडों का स्पार्क आपको दिखा दिया। तो ये दो तारें लाइटर के साथ अटैच कर देंगे। अब एक वायर इस तरह लेफ़्ट साइड पे और दूसरी वायर जो है राइट साइड वाले लाइटर के साथ अटैच कर देंगे नीचे। और आप इसका जो सेल बॉक्स है उसको भी इसकी चूल्हे की बॉडी के साथ किसी भी तरीके से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन नीचे कोई आपको छोटा सा प्लास्टिक का पीस रखना होगा ताकि ये बॉडी से थोड़ा सा हट जाए, इसकी जो प्लस और माइनस की तारें हैं वो बॉडी के साथ टच ना हो। अब इसका जो सिस्टम इग्निशन सिस्टम हमने बनाया है उसको अब चेक भी करेंगे, गैस वाला पाइप लगा के और सिलेंडर से या गैस वाला पाइप खोल के। तो अब इसको ऑन करके भी मैं आपको चेक करवाऊंगा कि इसका इग्निशन सिस्टम जो है वो अब वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसकी इग्निशन जो है जब आप उसको चेक करेंगे तो वो अगर ठीक तरीके से उस जाली के साथ नहीं आएगी तो आप थोड़ा बहुत लाइटर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है एक साइड वाला जो बर्नर है वो ऑन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी इग्निशन से, और इग्निशन आपने देखा वो उसका स्पार्क जो है बिल्कुल उसकी जाली के ऊपर से उसका स्पार्क आ रहा है, जिसकी वजह से वो अब स्पार्क की वजह से वो गैस जो है वो अब शोला पकड़ लेती है। और बिल्कुल इसी तरह ये दूसरी साइड वाला भी जो लेफ़्ट साइड वाला बर्नर है उसको भी इसी तरह सेट करेंगे, उसका भी जो स्पार्क है अगर वो बिल्कुल ठीक तरीके से जाली के सुराख के सामने अगर वो स्पार्क देगा तो जल्दी से ही उसका फ्लेम वो पकड़ लेगा और चूल्हा आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और उसको भी आप वैसे ही सेट कर सकते हैं उसके स्पार्क को, अगर वो ठीक ना होगा तो उस लाइटर को आप उसके और करीब कर देंगे। तो अभी सेल बॉक्स में से सेल मैंने इसलिए निकाल दिया ताकि आप इजीली आराम से दोनों पुश बटन जो है उनको चूल्हे में किसी भी जगह पे जहाँ पे आपकी मर्ज़ी है वहाँ पे आप इस पुश बटन को सेट कर सकते हैं, चूल्हे में फिक्स कर सकते हैं परमानेंटली। तो ये जो तारें जैसे जैसे लगाई हैं वैसे एक तार तो मैंने आपको बताया था, एक तार उसकी थिम्बल के साथ लगी है वो आराम से उतर जाती है, लेकिन जिसको टांका लगाया उसको वैसे ही आप फिर से वहाँ से कट करके चूल्हे के ऊपर बॉडी पे किसी भी जगह पे आप ड्रिल करके उस बटन को फिक्स कर सकते हैं जहाँ आपकी मर्ज़ी हो, जहाँ आप उसको आपको इजी लगे। तो ड्रिल बिल्कुल इस बटन के साइज़ का ड्रिल करके यहाँ पे ऐसे आप चूल्हे की बॉडी में उसको फ़िक्स कर लेंगे, और फिक्स करने के बाद वापस दूसरी साइड पर फिर से ये एक वाशल सी और ये नटसा इस पुश बटन के ऊपर फिर से टाइट कर देंगे। ओके व्यूअर्स, ये हमारा मैनुअल चूल्हा ऑटोमेटिक चूल्हे में कन्वर्ट हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वाकई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और गैस अप्लाइंसिस के किसी और इशू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।